बने आवनी 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 मारा बाल माँ बेगा से बेगा बने आओ रे बेगा से बेगा बने आओ। अच्छा भाई, तो हम जो है विकेश भाई के जो है शॉप पे आ चुके हैं और ये पूरा गैंग आप देख सकते हैं और सिद्धू भाई इधर बैठे हुए हैं। असल में काउंटर इनका है। हाँ, तो चेयर नीचे रखी है ना उसका जो नीचे किया। अच्छा, तो विकेश भाई आप सोच रहे होंगे किधर ये रहे कस्टमर को डील कर रहे हैं और शॉप बड़ी माशाल्लाह इनकी जो है बहुत ज़बरदस्त है और टीवी वगैरह भी आप देख सकते हैं। आजकल LED में जो है TCL काफ़ी जो है यहाँ डिमांड में है। उसके अलावा जो है चैंग होंग रूबा के नाम से एक LED है और काफ़ी चीज़ें हैं। बाकी वो आते हैं तो उनसे थोड़ा सा काफ़ी चीज़ें बाकी वो आते हैं विकी भाई तो उनसे फिर डिटेल पूछते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। विकेश भाई विकी भाई आ चुके हैं। तो सर जी थोड़ा सा, वैसे तो एक वीडियो में आपको जो है हमारे जो व्यूवर्स हैं वो देख चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी दे दें फिर हम फर्दर बात करते हैं। सर, हम लोग वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा नाम हम तो बता दें अपना डिटेल। हमारी दुकान शॉप का नाम न्यू मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है, शहीदगंज में है। और आपका? मेरा नाम विकेश कुमार है, प्यार में विकी कहते हैं। और हमारे पास ज़्यादातर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड LEDs हो गए, वॉशिंग मशीन्स हो गए और उसके अलावा AC वगैरह हो गए, फ्रिज वगैरह हो गए। सही। और इसके अलावा स्पीकर्स में हमारा अच्छा काम है। ये कौन सी मार्केट, कौन सी है ये मेन मार्केट है? शहीदगंज मार्केट। शहीदगंज। अच्छा अच्छा, सही। तो कितना टाइम हो गया इस बिज़नेस को करते हुए आपको? सर, मुझे ऑलमोस्ट 8 ईयर्स हो गए। 8 ईयर्स हो चुके हैं। तो थोड़े कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह थोड़े बताएं ज़रा। सर, हम लोग मोस्टली जो है LED में TCL में काम करते हैं। हाँ, एक ना, ताकि हम थोड़ा दिखा भी दें। ये हमारी मेन डीलरशिप जो है TCL में है और चेंगम रूबा में करते हैं और मल्टीनेट हो गया। इसके अलावा ऑडियोनिक में हमारा काम अच्छा है, ऑडियोनिक स्पीकर्स वगैरह हो गए। तो ये शॉप देख सकते हैं। जी, तो कुछ और बताएं विकी भाई अपने शॉप के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, रनिंग मतलब कौन सी ज़्यादा चीज़ें आजकल LED में, कौन सी या और दूसरी जो चीज़ों में? मोस्टली डिपेंड करता है, सर्दियों में जैसे LEDs वगैरह की डिमांड होती है या फिर गीज़र हो गए, हीटर्स हो गए, उनकी डिमांड ज़्यादा है। और गर्मियों में फिर फ्रिज वगैरह AC वगैरह की ज़्यादा डिमांड होती है। इन्हीं प्रोडक्ट्स की आजकल डिमांड है। फ्रिज LEDs में आजकल ज़्यादातर जो है TCL ज़्यादा अच्छा ब्रांड जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, ऑल ओवर द पाकिस्तान लोग रिकमेंड करेंगे और बहुत ज़बरदस्त चीज़ बना रहे TCL। इसके अलावा सैमसंग एक बहुत अच्छा ब्रांड है बट थोड़ा सा कॉस्टली है तो लोग घबराते हैं उसको लेते हैं, मतलब एक प्राइस के हिसाब से बहुत हाई है। तो वैसे TCL बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। इसके अलावा काफ़ी ब्रांड्स आ गए हैं आजकल, जैसे कि मल्टीनेट एक अच्छा ब्रांड चल रहा है मार्केट में। इसके अलावा EcoStar है, हायर है, चेंगोंग रूबा है, अकीरा है, आप इन प्रोडक्ट्स पर जा सकते हैं वारंटी। सही। तो ये फ्रेंड देख सकते हैं चीज़ें। अच्छा विकी भाई, थोड़ा एजुकेशन का तो बताएं आप। MBA अगर आप बता रहे थे सिद्धू भाई के, MBA किया आपने? जी, इकरा यूनिवर्सिटी से BBA किया था, फिर अच्छा। PF किट से अपना MBA कंप्लीट। अच्छा, मतलब कराची से? कराची में भी रह चुके हैं आप? जी, 8 से 9 साल कराची। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर बिजनेस। तो क्या डिफरेंस है कराची की लाइफ में और यहाँ की लाइफ में, क्या डिफरेंस है? कराची एक बड़ा सिटी है, वहाँ के एक इन्वायरमेंट बहुत चेंज है, यहाँ का फिर एक और इन्वायरमेंट चेंज है। मतलब डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पर कंफर्टेबल फील करते हैं। मेरे ख्याल से तो यहाँ पे भी मेरे हिंदू कम्युनिटी काफ़ी जो है रहती है, क्या सक्खर? हाँ, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी तो डेफिनेटली ज़्यादा है यहाँ पर सक्खर में, क्योंकि आजकल जो है सक्खर एक मिडिल है, मिडिल सिटी है। वहाँ पर जो है छोटे शहर चारों तरफ आपको लगते हैं, इधर ढहरकी घोटकी वगैरह पनवा के लोग या उस तरफ से
लाड़काना साइड यहाँ पे किस तरह की लाइफ है? कराची में तो हम अक्सर दिखाते रहते हैं, और आपसे इसलिए मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है एज अ बीइंग अ हिंदू तो, और आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो वैसे तो बिजनेस में तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस तरह कोई तो नहीं होता कि भाई लोग नाम पूछ के तो नहीं ज़ाहिर है चीज़ लेते, वो क्वालिटी देखते हैं और पैसा अपनी जेब देख के करते हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? क्योंकि हमसे सवाल अक्सर लोग करते हैं ना, तो मैं उस चीज़ का थोड़ा सा मतलब यहाँ पर जो लोग सपोर्ट करते हैं ऐसा नहीं है, अच्छे बुरे लोग तो पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में है, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी कोई हमें थ्रेट दे रही है या कुछ कर रही है, बहुत अच्छे चलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अच्छे बुरे तो मैं वही कहूँगा कि हर पूरे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में भी बुरे लोग हैं, खैर ऐसा हमें सपोर्ट किया जाता है, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। सही से अच्छा ये बताएं आपका एक चैनल है शॉप के रिलेटेड, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक मंथ हुआ है अभी अपने चैनल को लॉन्च किया है यूट्यूब पर, तो हम लोग प्रोडक्ट्स के रिव्यूज वगैरह देते रहते हैं, और चाय भी मंगा लिए विकी भाई ने, तो एक दफा दिखा चाय, और ये स्पेशल फरमाइश थी, ये हर जगह सो जाते हैं आज देख रहे हैं, यहाँ भी सोए हुए हैं क्योंकि ट्रेन यही चला के आए थे ना, ट्रेन यही चला के आए थे, और फिर इन्होंने रात को ट्रेन चला के जाना है कराची में ले जाना है, तो इसलिए तो जी विकी भाई तो चैनल का जरा नाम बता दे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे जी जी। तो कौन बनाता है वीडियोस उस पे, मतलब जाहिर है एक और लड़का है वो एक्चुअली मून नाम है उनका, वो बनाते अच्छा, हैं तो रिव्यू वगैरह प्रोडक्ट्स जो है रिव्यू करते हैं जी जी बिल्कुल, प्रोडक्ट्स के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, अच्छे रेट्स बता रहे होते हैं, तो एक प्रॉपर जो है उसके गाइड करते हैं कि ही प्रोडक्ट कैसा है या इसके फंक्शंस क्या हैं। सही तो खैर उसमें रिव्यूज वगैरह देते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी चीजों का बताते हैं कि प्राइस क्या है उनके और उनके की फंक्शंस क्या हैं, उनके फीचर्स वगैरह के रिलेटेड और वारंटी वगैरह जो भी प्रोडक्ट होते हैं प्रॉपर उनको हम लोग उसका भी लिंक दे देंगे। और ये है कि बाकी है कि आजकल तो भाई यूट्यूब का ही दौर है, तो मतलब मार्केटिंग दूसरी चीजें वेबसाइट वगैरह वो तो है बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन यूट्यूब पे एक आसानी ये हो जाती है कि लोगों को रिव्यू देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग रिव्यू पे ही आजकल चल रहे हैं, किसी भी चीज़ को हम बाय करने से पहले शायद हम सोचते हैं कि यार, क्योंकि वेबसाइट पे आपको उसकी डिटेल मिलेगी लेकिन हम जब तक रिव्यू नहीं देखते तो रिव्यू फिर यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल होता है। डेफिनेटली देखें एक टाइम सेविंग भी है, लोग काफ़ी क्या करते हैं अब मार्केट में टाइम नहीं होता, वो लोग क्या करते हैं कि एक वहाँ यूट्यूब वगैरह पे देख लिया, प्रोडक्ट से रिलेटेड रेंज देख ली वहाँ पर, तो ईजिली अपने हिसाब से यूजेस के हिसाब से वहाँ देख लेते हैं, फिर देन ईजिली मार्केट में आए परचेज कर लिया, क्योंकि काफ़ी नॉलेज आपको आजकल गूगल से मिल जाती है, यूट्यूब से मिल जाती है, तो काफ़ी चीज़ें हैं, ये इजी है, मतलब एक लाइफ टाइम सेविंग भी है आपका, आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है इतना, तो इस हिसाब से ये बहुत बेटर है, मतलब कि लोग ऐसा कर रहे हैं पाकिस्तान में, बहुत से लोग हैं जो रिव्यू करते हैं चीज़ों को। अच्छा तो स्टडी के बाद मतलब बिजनेस की तरफ आ गए, इसका क्या मतलब रीज़न है, या इसीलिए मतलब आपने कहा कि चलो स्टडी भी करे बंदा ताकि बिजनेस में और अच्छे आइडियाज़ भी आते हैं और मतलब बंदा जो है उसको ग्रो कर सकता है, इस वजह से वह कोई मतलब किस तरह एक्सीडेंटली आ गए कि एक शौक होता है अपना अपना कि खैर एजुकेशन सिर्फ जॉब के लिए नहीं की जाती, मेरा मानना ऐसा है कि फिर फैमिली बैकग्राउंड से बिजनेसमैन नहीं थे तो फैमिली वालों ने कहा कि भाई बिजनेस करो, अपना भी शौक था खैर, तो स्टार्ट ही बिजनेस से किया तो फिर माशाल्लाह अच्छा जा रहा है। अच्छा मुझे कुछ कमेंट्स भी जरूर आएंगे और मुझे खुद भी फील आ रहा है एक चीज का, आप पता नहीं वो ड्रामा कभी आपने देखा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल की शॉप होती है इलेक्ट्रॉनिक की, तो फर्स्ट जो भी देखेगा ना शॉप पे जो क्लिप देखेगा तो यही कहेगा यार जेठालाल की शॉप पे तो नहीं पहुंच गए, तो वैसा फील आ रहा है, तो बिजनेस का भी अपना मजा है मेरे ख्याल में, क्या ख्याल है ना, बस मेहनत तो हर चीज में ही है, मेहनत तो हर चीज, जितना अच्छा करोगे उतना आगे जाओगे। सही सही तो बस चाय हम पी लेते हैं, और बाकी है कि विकी भाई से जो है उम्मीद करते हैं आपको मिलके अच्छा लगा होगा, और काफ़ी अच्छे इंसान हैं, और मुझे तो बहुत पर्सनली मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा लगा, सिद्धू भाई तो हमारे ऑल टाइम फेवरेट है ही हैं, और इन दोनों की जोड़ी जो है वो भी बताएगा, क्योंकि भाई क्या नाम है जैसे हमें जय और वीरू की कहा जाता है महेश भाई और मुझे, तो अब इन लोग आपको क्या कहा जाता है दोनों की जोड़ी को, कोई करण अर्जुन है जय वीरू है या नजर ना लगे, नहीं नहीं हमारी भी नजर ना लगे, और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, तो और सपोर्ट भी भाइयों को सपोर्ट है ना सेंस के, मतलब यूट्यूब में अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो कीजिएगा, बाकी इनको भी मैंने कहा है विकी भाई भैया टाइम निकालो थोड़ा सा अपनी पर्सनल व्लॉगिंग जो है वो भी, अगर आपको मौका मिले शॉप पे ही कोई एक्टिविटी हो रही है कहीं और कुछ एक्टिविटी है कभी आप फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहे हैं, तो हमने कोशिश की है कि भाई इनको भी हम थोड़ा सा जो है मोटिवेट करें कि भाई वीडियोज़ बनाएँ, तो क्या ख्याल है?
वेल, समीर भाई से इस बारे में लास्ट राइट बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई है। उन्होंने कहा है कि अपने रिलीजियस से रिलेटेड भी यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप कर सकते हैं, लोग इंटरेस्टेड होते हैं, तो कोशिश करेंगे समीर भाई की इस बात को इंट्रोड्यूस करके कुछ ना कुछ स्टार्टअप। बिल्कुल, और हम इनसे जो है बिजनेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ सीखेंगे ज़रूर, क्योंकि हमने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमें भी नीड होगी। बाकी मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि हम कोशिश करते हैं जिनको हम जानते हैं स्पेशली हिंदू कम्युनिटी से रिलेटेड, कि उनसे आपको मिलवाते रहें, बिजनेस कम्युनिटी है, दूसरे और लोग हैं, तो ज़रूर आपको जो विकी भाई से मिलके भी अच्छा लगा होगा। तो बस आपके बीच में आके मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम शहर में आया, गुजरा हूँ और मैंने देखा कि बहुत ही अच्छे हैं आप, मगर आप मैं एक मरतबा मिला हूँ, जिस वजह से एक मरतबा मिलता हूँ तो सोचता हूँ कि इससे बरसों से मेरी मुलाकात है। और आपका जिस तरह प्यार था और ये प्यार हमारे आपके साथ सही रहेगा। आई लव यू, आई लव यू टू सर। थैंक यू। थोड़ो ही अलग एक सेकंड लगा। बस नाम क्या आपका? मोइनुद्दीन। तो भाई जो है रिव्यू करते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह जो है विकी भाई के जो है शॉप की जो भी चीज़ों की यूट्यूब के लिए, तो क्या अभी लेटेस्ट कौन सा प्रोडक्ट जो रिव्यू किया था? सर येलो बूम स्पीकर है आईटेल का। अच्छा। और ऑडियोनिक है, रॉयल टेन प्लस है, और हमारे थ्री है। अच्छा। हमारे चैट है एंड शुगर 40 है। अच्छा, कितना टाइम हो गया विकी भाई के पास आपके यहाँ पे? सर वैसे 3 महीने हो गए। अच्छा। शॉप पे काम करते हुए। अच्छा। लेकिन ये 10-15 दिन हुए वीडियो बनाते हुए। बनाते हो आप कौन से, पंजाबी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? मैं लैंग्वेज वैसे मैं पंजाबी हूँ। हाँ, क्योंकि एक्सेंट मैं बता खुद उर्दू बोलता हूँ। अच्छा, उर्दू बोलते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि थोड़ा एक्सेंट से लग रहा है, क्योंकि सब हमारे भाई हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सारी लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सर। थैंक यू। असो भा राजकुमार संतोषी सखर को बिलोंग कर लो आपको तारुफ कराया ना ब्रदर राजकुमार संतोषी वाकई पूरा नाम है इधर हेलो प्यार में जो नाम संतोषी का राजू मल। अच्छा सही सही कशाकंदा ठाकंदा वाले थे वो जा ठाकंदा हां किए सेट किए ता जो सही आप सेट कैसे हैं आपके सही हैं? अच्छा डांटते हैं नहीं? प्यार करते हैं? झूठ बोल रहे हैं? डांटते हैं नहीं? कभी भी गुस्सा आता है तो डंडा पड़ता है। आपका नाम क्या है? गुलाम हुसैन। ये हमारे प्यारे भाई मुर्तजा। थोड़ा हैरान हो साईं मुर्तजा बट कैसे हैं भाई? ठीक हैं आप? अल्लाह का पाक का करम है। तो भाई पूरी टीम है ये जो है विकी भाई की, तो टीम के बगैर तो बंदा कुछ भी नहीं है, क्या ख्याल है ना? टीम के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है, टू पे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो भाई ऐसे ही कि हम लोग जो है वीडियो का भी टाइम हो रहा था, मैंने कहा चलो अब अपलोड करें, क्योंकि इस वक्त 7 बज रहे थे तो हमने कहा चलो आज लाइव अपनी वीडियो जो है इसी पे देख लें, लेकिन अभी नेट कनेक्ट का थोड़ा इशू है। अच्छा हाँ, महेश भाई ने इशारा कर दिया एक चीज़ की तरफ, तो यहाँ भी देख सकते हैं नींबू मिर्ची जो है ना, ये लगता है दया भाभी ने भेज दिया है, जेठालाल को दिया था ना। अच्छा भाई जस्ट अपनी जो वीडियो जो है वो हमने प्रीमियर की है, तो बस 1 मिनट के बाद स्टार्ट होगी, तो हमने कहा चलो मिलके जो है आज साथ देख लेते हैं। तो सारे भाई जो है हम खड़े हुए यहाँ पे, तो महेश भाई ये बैठे हुए और ये विकी भाई, तो आज अपनी वीडियो जो है हम खुद देखेंगे यहाँ पे बड़ी इस पे LED पे। हे सुठो ऑप्शन है ना नाने के यो बटरे मन साल डेट थियो आने प्रीमियर वारो आने मनी इज जो भी लास्ट में सीजन है ना 5 मिनट डाल रही हूं ये प्रोग्राम करा है तो मच कचहरी टाइप अजा हाने इनिशियल क्यों है ना रिजल्ट थोड़ा डाउन होने के लगे होना तो रिजल्ट सुठो हो तो भाई हम लोग क्या सही है
सर जस्ट मां थोड़ो क्लिप यो ओ चिकने ये देखो नमूनो तो अच्छा एक और चीज भाई मैं आपको दिखाता चलूं यहां बराबर से जो बारह जारी है तो अच्छा भाई तो फ्रेश जूस पी रहे तो अनवर भाई की फरमाइश पे पेट खराब था ना एक पेट खराब था तो विकी भाई भी खड़े में यहाँ पे और सिद्धू भाई तो बस हमारी एक घंटे बाद ट्रेन है तो बस ट्रेन में जो है निकलेंगे कराची और इसको जो है सीरीज को यहीं पे करते हैं एंड और होपफुली आपको ये जो हमारी जो शिकारपुर बोलने वाला था जिंदगी का मजा तो खट्टे में क्योंकि खट्टा है ये अनवर भाई कब से कह रहा है खट्टा है चीनी डाल दे नहीं नहीं वैसे भी खट्टा मीठा मुझे अच्छा लगता है तो बस ये कि उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा और स्पेशली जो इन दोनों भाइयों से मिलके जो अच्छा लगा होगा तो बताइएगा कमेंट करके बताइएगा खुद रीड करेंगे तो बस ये कि इसी तरह हम और आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे नेक्स्ट सिटी आप कौन सा देखना चाह रहे हैं अब ये नहीं बोल देना कि हॉलैंड दिखा दो और मतलब कंट्री दिखा दो या कोई बीजिंग वीजिंग चले जाए इतना बजट नहीं है भाई हमारा तो फिलिपाइन में चोंग मोंग कौन होता है बस 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 बोलो अच्छा तो भाई बस इसी तरह सपोर्ट करते रहे आपके लिए व्लॉग्स लाते रहेंगे और बस इसी तरह वीडियोस बनाते रहेंगे कीप सपोर्टिंग समीर के व्लॉग्स. Take a party, oh!